जी एन चाचा चौधरी अब्दुल मजीद एडवोकेट साबक वजीर आजम जिन्होंने तलक मेरे ग्रां फैजपुर शरीफ चकसुआरी मीरपुर ना लिया। ए चाचा सारी जिंदगी जब तक इसने गोडियों में त्राण सी लोकाना मिंट कुठा कर वोट के नड़िया आखिरी उम्र जल्द खाना खाने वाले जुबान ने अपर 400 टक्स वर्ड भी कमजोर हो जाने उस कुछ बंदे बया वही तुसा बिलावल बटो ते फरियाद तरपुर ने कदमा में टो तो की वजारत उदम मिलियां हालांकि उस वे उम्र होनी है बंदा अल्लाह अल्लाह करना मसीत संभालना ताकि मैं अपना अगला जान ठीक करा। चाचा चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने दौर की सुखा शाही दौर है जाना एक पुराने बावे जेडे इक्का दुक्का बची गए वो आखिर बचिया ओ दौर सुखा शाही जरा हिंदवाना सी ओ बहुत सारा बेहतर सी इस मुसलमान सुखा शाही यानी चाचा मजीद मुजावरी दौर तो इस चाचे मजीद आजाद कश्मीर ठेके पर फरियाल तालपुर नानी सिंधनी डाकू रानी की दित्या सी जिसनी कुल काबिलियत है कि वो आसफ अली जरदारी नी भैण आ लिहाजा उस चौधरी रियाद ना ने एक मुंशी फैसलाबाद तो रखा कि तू इन कन पकड़ा इन्हें गुनागार रखने मैं चाचे चौधरी मजीद वजीर आजम ने पुत्र कासम जिसकी कश्मीरी जरदारी सानी भी आया जाना उसकी मैं तकिया ओ इस चौधरी रियाद नी गड्डी ने दरवाजे खोलना ते बंद करना इस चाचे चौधरी मजीद बाकी जड़िया याशिया नाहलियां करप्शन की मंगला डैम ने हवाले नाल जड़ी तबाही फेरी और जड़ा इस अपने लोगों की जलील किता ओ ते एक पास है। फिलहाल मैं तुझे बना चाहना कि ए इलाका ए पन्याम कालूनी फैजपुर शरीफ कनेली तक खड़का की तेल दिता वाटर ग्रेटर वाटर स्कीम ने ना पर इस चाचे 36 करोड़ रुपया आज तो पहला 2013-14-15 विच कनेली और चकसवारी फैजपुर पन्याम विच पता नहीं केड़े बैनर कौमी अदारे के नाल लुटिया आवाम ने ना पर और 5 करोड़ रुपया खाड़ के मीरपुर विच खुदवांदा 5 करोड़ जमा 36 करोड़ कमो पेच 60-61 करोड़ 2012-13 जल्द करंसी का रेट थी डॉलर 100 तो थल थी तो हूं 300 को लिया इसका मतलब है मौजूदा 1.5 अरब रुपया इस चाचे असा के तेल दई के और मीरपुर बैठे ये जरा महकमा थी जरा ये पाइप बनाया उसने सरकारी संडिया नाल मिली के 4 फुट जमीन विच दफन कही छोड़िया और इस 4 फुट जमीन ने अंदर 1.5 अरब रुपया गैर मुसलमान को अमदाद ना पर कश्मीरिया ना पर कहना जरा अपना जरा माल हराम खादा उस तो अलावा छोड़ी रहा एक बूंद किसा कनेली फैजपुर शरीफ पन्याम तखाड़ ने बंदे की नहीं मिली और इस पूरी अंधेर नगरी पर पीपल्स पार्टी ने तमाम मुजरमीन खामोश रहे क्योंकि ओ इस शख्स की भगवान मनने फिर जिस जिस बंदे की चाचा मैं जीत इतना मुड़ा लित्तर मारने फिर ओ नसी के ऐसा कुछ ने तो आने असा बड़ा जुल्म होया असा 40 साल भुले रहे हैं 50 साल भुले रहे हैं तो साना लाज यही है ए दोए प्यो पुत्र इना असा की अके की मान्य विच मंगला ने मुतासरीन की जलील किता या क्योंकि ए मकामी आदमी सी सिकंदर यात मरी गया मरहूम ओ बारा न सी ए मकामी सी ए जानना सी कि मी लोगों 40 साल तो वोट दिते एनीवे पानिया ने पाइप दुनिया की कुदरू नक्शा साली के साय ना पर कहने गए 4 फुट टोए खुन गए उधर दब देते गए पाइपा की जोड़िया मरोड़िया गया और सरकारी मीरपुर ना संडे जरा कोई सरकारी अदारा है वो जो ओवरसी आराम तो पौने उन्होंने निगरानी में भेजा सारी वारदात हुई है पूरी दुनिया में पानी तो गैस ने पाइप जदू भी तुस ओ जमीन दोत करने हो तुस कदा मिट्टी नो बने तुस उन्हें की पाइपा की जोड़ी कह पिछू पानी खोल रहे हो गैस चेक कर रहे हो आया कुछ लीक तो नहीं अगर लीक है तो हूने बंद कर छोड़ो एक बार मिट्टी पेगी 4 फुट 5 फुट फिर कौन खोल सी इस चाचे इतनी बड़ी बदमाशी की है अजकल बीमार है उम्र भी 85 साल है गोडे गिटे जवाब दे गए सुनिया नापी बदी भी अल्लाह ताला सारे की बचाए बुरे वक्त तो अलबत्ता ये दुआ कि अल्लाह पाक की 30-35 साल और उम्र लंबी दे ताकि दुनिया पर सजा पुख्ता है जेडी इस एलियान ने मीरपुर नाल की है और सुखा शाही कमत चलाने वास्ते और सिर्फ और सिर्फ गोडे च त्राण ही कोनी आखिरी उम्र विच माए नाना वजीर आजम लगे और टक के नवा था जिस तरह इस पूरा कश्मीर ठके बदे रखा इस तरह इस पानी लोगों की दिता और वो पानिया ने पाइप बाई के उन्हें पर मिट्टी बाई दी गई है हर ग्रानी गली त्रोड़ी गई है विचू पाइप कटे गलियों विचों लेकिन उस पाइप ने विचू कनेक्शन कटी दे कुछ घर नहीं गया
कोई बंदा नहीं बोलिया बंदा बशर सवा एक मर्द मुजाहिद मावा ये जे पुत्र जमिया बंद करी गई जिसका नाम मोहम्मद खलील इनकलाबी है लोग आने जेल आया ये जे जाने जेल बिच जान तामी कौम सरमाया होने कौम फखर होने और सब उसके खिलाफ है वो सचियां लिखना मेरा यह चैलेंज आ जिला मीरपुर कोई माई ना लाल कोई सुहाफी साफी कोई आले दानश खलील इनकलाबी तू बेहतर अगर लहाई करी कि ना किसी मौजू पर मैं उसकी 50,000 रुपया नाम दसा उसकी मैं जेल बिच रेह इस बंदे एफ ए की मैट्रिक की एम ए की और इस वाहिद आदमी जिस मास कम्युनिकेशन पढ़ी है और इस वे का नंबर दो ना तर्जमान ही है खलील इनकलाबी इस वाहिद आदमी कंपेन की कि 1.5 अरब रुपये ने पाइप मिट्टी च मिलाए जा रहे लेकिन कोई बंदा नहीं बोलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी पार्टी उत अस तो मुलू दगड़ दल असा ने कायदीन भी हो सारी सारी हर मेरे नहीं बाकी लोगों ने मजीद और नालों ना पंजी पंजी साल मलाइया खादिया नोट खादे प्रापर्टियां मनाइया मैं 2013 में जिन्होंने पूछा मैं लोगों की क्यों वो देने लगे हुए कनेक्शन उन्हें आज ये दुई कंपनियां अच्छी और लख दी लानत होए उस एसडीएम पर इस मनसूबे ने जरा इंचार्ज सी और टकलिया तू कुछ किता डिप्लोमा इस कमे बिच लिहाजा वो पाए जमीन दोस्त पाए गए हूं पता नहीं कुदरा कोई नवा जरा टोपी ड्रामा किता गया कोई नवा बंदा सी नवा ठेकेदार सी और फिर टोए मारसी एक ग्राम में 18 घर वो गली बिच कि 18 जगह पर फिर दोबारा उए पठान बुलाई दे अफगानी कई कई वो टवा खुण सी हूं सर याद रखी कि नहीं जरा पठान कई मारसी ना वह पाए भी लोहे ने नहीं प्लास्टिक ने पे और प्लास्टिक उसकी वो बचाई गण सी क्योंकि एज सो मशीनरी उठाया तो कई मारने वाला पठान टवा खुण सी तो पाइप फाड़न नहीं लगा इस मारने की उस इसे डिग्री तो की हुई है फिर सो उवे पानी पिया है लेकिन 1.5 अरब रुपया जया किया गया और कोई बंदा नहीं बोलिया इस पूरे इलाके ने मैं ना कहन लग्या सरकार का बंदे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का नंबर 2 ने उम्मीदवार में ना कहना नो चांस आई डोंट वांट टॉक अबाउट इट चौधरी आरफ पंजाबिया तगड़ा ना आया और जिला मीरपुर ना वाहिद आदमी है जिस सियासत की खातर अपनी नौकरी अपना सब कुछ कुर्बान किया ना कोई इस तो पहलो होया ना बाद च होने लगा ये एक बैंक ना तगड़ा मैनेजर थी 2 लाख तनखा होना तो 5 लाख के ना बैर में लेनी तो इस शरीफ आदमी गालिबन 2001-2003 में इलेक्शन लड़ने वास्ते वो जाब छोड़ी है अज तक इसकी उन्होंने नहीं किया कोई अच्छी जगह पर अपॉइंट ये भी नहीं बोलिया साई दुल्फकार कनेली ना अवामी आदमी है लेकिन मुजरम आदमी है वो भी इस मामले भावें मेरा दोस्त या उस एक लफ्ज नहीं बोलिया उसी बीमारी भी है उस सब की आना जरदारी टुरो अजीम बख्श मुकम्मल जीरो इस मामले पर उस एक लफ्ज नहीं बोलिया लिहाजा उसकी क्या बां तो क्या ना बां इस तू अलावा बाकी तो ही सारे ढगे ने कुछ किया हाँ हल्का नंबर 2 उम्मीदवार असैम्बली नजीर इनकलाबी साहब ओ काकड़े वाले पर उन्होंने अपने गुनाह ने सजा आया काकड़े अजाजिया या बैसी कल्याल कलकड़ और बंदा उनके लभ ही कौन भाई इनके घर भेजो बुढ़े हो गए फारग हो गए ना इन्हें की पता सियासत ना एक बार बंदा हारना दो बार हारना बस कर जाना लेकिन यह दुनिया ना वाहिद इलाका है जितने एक बार भी हार फिर भी शर्म कौनी दूसरी बार भी हार फिर भी बेशर्मी कौनी लेकिन गैरतमंद गैर मुसलमान जो बंदा एक बार हार है दूसरी बार वह भजक जाना इतना नहीं ना कद वह बोलिया कोई बंदा बोली नहीं रहा सिवाय एक खलील इनकलाबी तो सो मैं इस वी लाग के जरिए चाचे मजीद नी करप्शन नी हिक ओनली दास्तान हालांकि पिछे बेशुमार पईन कल चेक कर रहा पुल पूरी बासा कि सब तू बड़ा मुजरम तक रहा पुल ना ये चौधरी मजीद आ काश उत कोई जने 2-4 होने इस कहने बार बेदा मातम करने पिटने इसकी जुड़िया जी कि तू कितना बड़ा जालम है ताकि बाकी इबत हासिल कर तू समेर आजम बनी गए भी जिल्लत और अपने नाम पर दाग कहनी कि नहीं वैसे इसका दाग बनी चुका किस शादी पर जो मजीद जाए खत्म पर जाए लोग राह छोड़ देने की सलामा देना पी जाए इस तू बड़ा अजाब कुदरे भी नहीं होना है इस वीर लाग के जरिए इस तो गुलाम है मजावर है फरियाल तालपुर असा ने वोट कहनी गया असा की जलील करी गए जटा गुजरा राजा वैसा ने वोट कहना कन्नू पोड़ गया फरियाल तालपुर नी उच्ची अड्डी वाली जुत्ती ने बुद्ध रखने नी पादाश विच कोई नहीं बोलिया क्या कोई बंदा है जरा इसने खिलाफ केस करा ये तसाब अदालत ना जज चौधरी सजाद जबकि मां हो भी पैदा किया गया जज जड़ा जिस एक साल की दरखास्त पर MDA ने नौसर बाद एक बंदे की 7 साल सजा सुनाई है तो नाल मोहम्मद जायब की काश कोई होर भी इजा
मैं उन्हें पुत्र वै कोई जिसका नाम चौधरी सजाद जज वै उसने अदालत केस करा कि ए तमाम SDM ओवरसी ए वजीर आजम सबका इसका मुड़ा ए इन्वॉल्व है इन्हें कि लपड़ा जाए दुनिया भर क्योंकि आवाम सुती हुई है ए बगैर सत्तू पीते सुती हुई है ए बगैर चर्च पीते सुती हुई है पिछले रह गए पाकिस्तान वाले वो चौपट खेलने ताज खेलने लूडो खेलने रक्षा सुजुकी ड्राइवरी तो अलावा उन्होंने कम ही कोनी हर दरबार पर एक मेला होना उसे दिहाड़ी उसे दान दबाओ घोड़े दबाओ बुजुर्ग नाम पर किसा माऊ ने लाल की जरूरत ही कोनी फैजपुर शरीफ दरबार पर जेदा घोड़े दबाए ढोल मारा कोटली आगार शरीफ दो दरबारों ने लख मोतकदीन जायरीन को जहां ढोल मारा चाहिए लम्या ना बखिर पीर और लेकिन नाल दरबारों पर हर शिरकिया कुफरिया हिंदुआना बुत जिहड़ा चढ़ावे चाण लगे वो जाए सन फिर राती उर्स होने उत्त शराब डकारी जानी है बुजुर्ग ना पर मौलवी की पता सैदान की पता तुसा सारे की पता लेकिन चुके कूफी असा और हर साल खाम खा मुहर्रम पर यजीद की गाली कड़ने कूफी कड़ने दर एक अपने आप ही कड़ी दे होने असि तो कूफी हाँ और कुछ सिर सिंह होने वह असा गुरु बड़े नमाजी सन असा गुरु बड़े आजी सन लेकिन सिर्फ वो जुर्म ने मौके पर गुनाह ने खिलाफ आराम तोपी ने खिलाफ बोलने कोनी सन और बैठे रहे इमाम हुसैन शहीद हो गए बाद फिर लंगर खाने वास्ते आपू ही लंगर पकाने आपू ही खाने इसी सुआब समझे बोलना लिहाजा अगर कोई हुसैनी है हर चार पांच इन पर केस कराया जाए तो उम्मीद करा कि ये अंदर वह अल्लाह सारे ना आमियों नासर वह।